हिंदुत्व के लिए बात करने वाली एक सबसे पुरानी पार्टी महाराष्ट्र में जो नाम से जानी जाती थी उसका नाम है शिवसेना। आज शिवसेना पार्टी में कई उत्तर भारतीयों को पद वितरित किया गया है और हमारे साथ हैं शिवसेना नेता नरेश मस्के जी जो पूर्व महापौर भी रह चुके हैं। उनके हाथों कई उत्तर भारतीयों का पद बांटा गया है। जिस तरीके से हिंदुत्व की लड़ाई यहाँ पे चल रही है अभी शिवसेना भी दो टुकड़ों में बढ़ चुकी है, उद्धवगढ़ और सिंधेगढ़। सिंधेगढ़ के लोगों में उत्तर भारतीयों का झुकाव देखा जा रहा है। हमारे साथ मस्के साहब हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिवसेना उद्धवगढ़ की अपेक्षा सिंधेगढ़ में उत्तर भारतीयों का ज़्यादा झुकाव है, क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो हिंदुत्ववादी शिवसेना जिस तरीके से जाना जाता था और अब शिवसेना दो गुट में बढ़ चुकी है, लेकिन उत्तर भारतीयों का झुकाव सिंधेगढ़ में ज़्यादा देखा जा रहा है। आज कम से कम 500 लोगों को आपके द्वारा नया पद दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं सारी चीज़ें? ये देखो कि उत्तर भारत में तो हिंदुत्व की दौड़ चल रही है, लोग हिंदुत्व से जुड़े हैं और लोग देख रहे हैं कि सही मायने हिंदुत्व का जो झंडा है, हिंदुत्व का जो पताका है, वो एकनाथ शिंदे साहब ने हाथ में ले लिया है। क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस राष्ट्रवादी से आघाड़ी की, जिन्होंने कायम सनातन धर्म को विरोध किया, हिंदुत्व को विरोध किया, राम मंदिर को विरोध किया, लेकिन शिंदे साहब हिंदुत्व की पताका लेके चल रहे, इसीलिए लोग शिंदे साहब के साथ में हैं। और शिंदे साहब सब समाज के लिए काम कर रहे, सब आघाड़ी पे काम कर रहे, सब लोगों के लिए काम कर रहे, इसीलिए लोग काम करने वालों के साथ में रहते, इसीलिए लोग हमारे साथ में। हमारे शशि यादव जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने पद बांटे नहीं है, पद प्रदान किए। उद्धव ठाकरे लोग बांटते हैं क्योंकि उनके पास आदमी लोग नहीं है, हमारे पास बहुत से आदमी लोग हैं, लेकिन काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने उन्हें पद प्रदान किए, बांटे नहीं। महाराष्ट्र की धरती पर उत्तर भारतीयों का एक बड़ा वजूद है, बड़ा नाम है, बड़ा वोट बैंक है। चुनाव आते ही सभी पार्टियां उत्तर भारतीयों की तरफ झुकाव करती है, लेकिन शिवसेना पार्टी में भी दो गुट हो चुका है और महाराष्ट्र का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका भी एक गुट है और उद्धव गुट है। इस समय शिवसेना गुट में कई उत्तर भारतीयों को पद वितरित किया गया है। उत्तर भारतीय नेता शशि यादव और उनकी टीम सामने नजर आ रही है कि किस तरीके से इस टीम में महिला और पुरुष कम से कम 50 से 60 लोगों को पद बांटा गया। शशि यादव से बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से हिंदुत्ववादी की बात करती है शिवसेना, लेकिन अब दो गुट हो चुके हैं, कितना कौन सी हिंदुत्ववादी विचारधाराओं पे चल रही है और किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, क्या वादे होंगे उत्तर भारतीयों के और कितने पूरे होंगे, शशि जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से हिंदुत्ववादी को लेके, हिंदू के मुद्दों को लेके शिवसेना चल रही थी, अब शिवसेना में दो गुट हो चुके हैं। आज शिंदे गुट के आप एक नेता हो, बड़ा चेहरा हो और आज 50 की तादाद में पदाधिकारी जो हैं, किस तरीके से उत्तर भारतीयों के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान दिलाने की कोशिश? सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, जब से उन्होंने उठाव किया, इस उठाव में सम्माननीय बाला साहब ठाकरे उनके विचारों को लेकर ये पार्टी आगे जा रही है। धर्म विवेक आनंद देवी साहब के विचार के, उनके विचारों को लेकर ये पार्टी आगे जा रही है। आप जहाँ तक रह गया सवाल उत्तर भारतीयों के बारे में, तो मैं ये जानता हूँ कि जब तक इसके पहले भी जब भी समस्या उत्तर भारतीयों में आई या जब भी कभी वो मुश्किल में पड़े, तो सबसे पहले हमारे एकनाथ शिंदे साहब आगे आए कि भाई अगर पहले कुछ होगा तो पहले हमारे ऊपर आप आ जाओ, उसके बाद में हमारे उत्तर भारतीयों के ऊपर कुछ भी आप करने के लिए जाएंगे। क्योंकि बहुत बार इस उत्तर भारतीय समाज में बहुत बार वार हो चुके हैं, बहुत बार तकलीफ दी जा चुकी है, आपको पता है। लेकिन उस समय अगर कोई नेता आगे आया तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। जितना प्यार वो हम लोग से करते हैं, उतना ही प्यार हमारा उत्तर भारतीय समाज एकनाथ शिंदे जी पर करता है। शशि जी, आने वाले समय में चुनाव है, क्या लगता है कितने उत्तर भारतीय चुनावे आएंगे? देखिए, हमारे उत्तर भारतीय जो भी आए तैयार हैं, जो कॉर्पोरेशन में इलेक्शन लड़ने के लिए, वो अपना लिस्ट दें, नाम देंगे, उनको हम हमेशा कोशिश करेंगे उत्तर भारतीय विभाग की तरफ से कुछ हमारे लोगों का नाम वहाँ पे आए और हमारे लोग भी वहाँ पे खड़े रहें। हमें सबसे बड़ी खुशी होगी कि अगर हमारे लोग सक्षम हैं और कोशिश करते हैं। देखिए, बात काम कार्यकर्ता की होती है, कार्यकर्ता काम करता है, लेकिन अपने सक्षम
भी होना चाहिए। हर चीज़ में इलेक्शन में हम जीत के आए, ये उतनी पूरी तैयारी रहेगी तो हम पक्का उसके लिए कोशिश करेंगे। और हमारे मुझे इतना विश्वास है कि हमारे सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब और हमारे नरेंद्र मस्के साहब सब जो भी जो हमारे वरिष्ठ हैं हमारे उत्तर भारतीय को न्याय देंगे। तो सुना ये थे शशि यादव जी जिन्होंने कहा कि हमारे जो वरिष्ठ हैं शिंदे साहब और बाकी लोग मौका जरूर देंगे। देखना यह है कि इन बातों पे कितना अमल किया जाता है। महिलाएं भी आपके सामने दिखाई दे रही होंगी और इस समय महाराष्ट्र में तीन पहिए की सरकार है, एक एनसीपी, एक शिवसेना के शिंदेगढ़ और एक बीजेपी। और बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है महिलाओं का सम्मान। और यहाँ इतनी सारी महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं से जानेंगे। मैडम, आप लोगों को आज पद दिया गया है और ख़ास करके आप महिला हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इस सरकार में? महिलाएं तो यहाँ पे सिंधे सरकार में सभी सुरक्षित हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और रही बात जो है काम करने की, हम जितने भी उत्तर भारतीय हैं हम सभी लोग सिंधे साहब के साथ में खड़े हैं, क्योंकि सिंधे साहब हमेशा सबकी सपोर्ट में रहते हैं। कभी भी कुछ भी होता है तो कोई भी बिना सोचे समझे सिंधे साहब के पास जा सकता है कि हाँ सिंधे साहब हैं तो हम सब सुरक्षित हैं। क्या लगता है आने वाले चुनाव में उत्तर भारतीयों को सीट मिलेगी या सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए, अभी हर कोई इतना समझदार तो है कि वो सिर्फ झंडा उठा तो नहीं चलने वाला। अभी सिंधे साहब जो है सबका इतना रिस्पेक्ट देते हैं, मस्के साहब सबको रिस्पेक्ट देते हैं, जितना भी है, पहले की बात अलग थी अभी की बात अलग है, तो वो सम्मान सबको मिल रहा है। और उत्तर भारतीय सब उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और सबको सम्मान मिलेगा। जो खड़ा जो जिनकी इच्छा होगी आगे आने की वो जरूर आएंगे। महिलाओं से क्या अपील करेंगे क्योंकि महिला लीडर है? देखो, महिलाओं को मैं यही अपील करना चाहूँगी कि हर कोई आगे आए और अपनी बात को रखे और अपना काम करे। सुना आपने, ये थी महिला जिनका ओपन व्यू है कि शिंदे साहब सभी लोगों के साथ खड़े रहते हैं। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव और बाकी मुद्दों पे कितना खरा उतरते हैं लोग। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सेव दिया के साथ चंद्रशन शुक्रमा, जेजेवी न्यूज़ थाना। ये है एनपी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज़, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का।